हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग और एक वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो मैथ का हम लोग जानेंगे, जो आपके अध्याय 12 समीकरण में आप लोग के प्रश्नावली जो है 12.2 प्रश्नावली 12.2 का दूसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग हल करेंगे। तो क्या है बच्चों, क्वेश्चन देखिए। नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे। नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे। यदि मयंक को 8 आम और जो है नीरज को 6 आम और दिए जाएं, ठीक है, तो मयंक और नीरज के आम का अनुपात 1:1 ये 2 हो जाता है। तो दोनों के पास कितने कितने आम थे, तो ऐसा पढ़ने पर तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग कैसे जानेंगे कि जो है मयंक के पास कितने आम थे, जो नीरज के पास कितने आम थे। तो इस प्रश्न को समझ करके हम लोग जो हल करेंगे तो आसानी से हम लोग जो है बता सकते हैं कि जो है मयंक के पास कितने आम थे और जो है नीरज के पास कितने आम थे। इस प्रश्न में ही जो है फल छिपा हुआ है। तो देखिए, तो हम लोग नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे, मतलब मयंक से 3 गुने ज्यादा आम थे नीरज के पास। तो देखिए, इसको बहुत ही आसानी ढंग से हम लोग जो है हल करते हैं, देखते जाइए। देखिए हाँ, ठीक है। तो माना कि हम लोग मान सकते हैं, माना कि मयंक के पास x आम थे, माना कि मयंक के पास पास आम कितने थे बच्चों, x मान रहे हैं ना। माना कि मयंक के पास x आम थे, तो यहाँ बोला जा रहा है नीरज के पास मयंक से 3 गुने ज्यादा आम थे। तो इसमें 3 गुना कर देंगे तब नीरज के नीरज के पास कितने आम हो जाएंगे, नीरज के पास आम की संख्या, ठीक है, आम कितने हो जाएंगे बच्चों, आम बराबर इसमें 3 का गुणा कर देंगे, मतलब 3, ठीक है। तो अब नीरज के पास हम लोग को 3 गुना ज्यादा है मयंक से, मतलब 3x है, 3 गुना ज्यादा है। इतना तक का आपको समझ में आ गया होगा कि माना कि मयंक के पास x आम है, हम लोग x मानते हैं ना, और ये नीरज के पास 3 गुना ज्यादा है, मतलब 3x है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, नीरज के पास मयंक से 3 गुने ज्यादा आम थे। यदि मयंक को 8 आम या नीरज को 6 आम और दिए जाते, देखिए मयंक को 8 आम दे रहे हैं, मतलब ये जो मयंक है इसको 8 आम और ज्यादा दे रहे हैं, और जो है नीरज को 6 आम ज्यादा दे रहे हैं, तो उसका अनुपात कितना हो जाता है बच्चों, 1:2 हो जाता है। इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो मयंक को कितना आम ज्यादा दे रहे हैं, 8 आम, ये तो आम की संख्या है, इसमें और जोड़ दे रहे हैं, मतलब 8 आम और जोड़ दिए, ये देखो, और जो है उसको कितना आम मिल गया है, ये मयंक के लिए 8 आम और जोड़ दिए, देखिए। और जो नीरज को कितना आम ज्यादा दे रहे हैं, 6 आम, नीरज को 6 आम दे दिए हैं, x प्लस 6, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसी से है बच्चों, क्वेश्चन में ही उत्तर छिपा है, मयंक को 8 आम दे रहे हैं प्लस 8 और नीरज को और आम दे रहे हैं, मतलब 3x प्लस x है ना, ये 3x में 6 जोड़ दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आम दे रहे हैं। इसको देखते जाइए, आप लोग को जब पूरा समझ में आएगा, और प्रश्न अनुसार तो उसका अनुपात कितना हो जाता है बच्चों, प्रश्न अनुसार लिखते हैं, ठीक है, प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार कैसे होता है, तो उसका अनुपात जो है 1:2 हो जाता है। उसको अनुपात में कैसे लिखेंगे हम लोग, बहुत ही आसानी ढंग से देखिए, ठीक है, x देखिए x प्लस 8 बटे 3x प्लस 6, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे, और बराबर कितना अनुपात हो जाता है, अनुपात मतलब क्या जो है गुणा में है, ठीक है, गुणा में। तो देखिए ये 1:2 लिख सकते हैं, इस अनुपात को अनुपात बढ़ जाता है, 2 बटा का चिन्ह लग जाता है, ठीक है, ठीक है। इसको जो है हम लोग इसके नीचे वाला क्वेश्चन को जो है पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए, इसका अभी 1:2 है, इसका इसके साथ जो त्रियक गुणा करेंगे, अब यहां लिख लीजिए गुणतक में त्रियक गुणा, त्रियक मतलब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, त्रियक गुणा करने पर, ठीक है, अब यहां करते हैं, ठीक है, ये इधर वाले क्वेश्चन में इसके जो नीचे का पोर्शन है वो मैं इधर लिख रहा हूँ, जगह कम है, तो त्रियक गुणा कर देते हैं, है ना बच्चों, ठीक है, त्रियक गुणा कर देते हैं, देखते जाइए,
देखिए, एक का गुणा था इसके साथ करके 3x मतलब क्या, इसका गुणा नीचे वाले के साथ 2 का गुणा ऊपर वाले के साथ, तो कर देते हैं ये देखिए, तो यहां 3x और प्लस 6 इसका गुणा हम लोग किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, ये 1 1 के साथ ये है मतलब गुणा में है, ठीक है गुणित, इसको कोष्ठक में ले लेते हैं हम, चलिए ऐसा लिख लेते हैं, ये कोष्ठक में है गुणित 1 कर दे रहे हैं, ठीक है एक कर दिए, उसके बाद देखिए बराबर, ठीक है इसको इधर कर रहे हैं, इसको इधर ले आए हैं, तो दो का गुणा इसके साथ करेंगे, देखिए दो कोष्ठक में कितना ले लेंगे बच्चों, ये दो का गुणा उसके साथ x प्लस 8 x प्लस 8, ठीक है इसको कुछ नहीं चीज होता है, उसको जो है कोष्ठक में लेना पड़ता है, अब इसको बोल कर आसानी से कब कर देंगे, तो एक का गुणा किसी के पास साथ करो तो उतना ही मान आता है, इसका मान कितना आ गया 3x, ये वाला पॉइंट हो गया 3x प्लस 6 बराबर 2x, 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो 2x प्लस 2 8 16, ठीक है 8 2 16 या 2 8 16 इसे गुणा कर रहे हैं, तो फिर अगला चरण में क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए ये 3x x x वाला को एक पर ले आते हैं, यहां पर क्या था बच्चों प्लस में है तो पक्षांतर उधर कर देंगे तो ये ऋणात्मक में हो जाएगा, देखिए 2x बराबर ये यहाँ प्लस में है 6 उधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 16 है 16 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है तो देखिए यहाँ पर देखिए 3x में 2x को घटा देंगे, मैं बोल रहा हूँ 3x है उसमें से 2x को घटा देंगे तो कितना x बचेगा 1x, ठीक है तो यहाँ x, ठीक है कैसे x आया पता चल रहा होगा आप लोगों को, x बराबर 16 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 16 में 6 घटाएंगे तो 10 आएगा, तो ये देखिए x का मान पता चल गया, मतलब किसका मान पता चला बच्चों, माना कि माइंड के पास x आम है तो माइंड के पास कितना आम है 10 आम है, ठीक है अब हम लोग जानेंगे जो है नीरज के पास 3x है मतलब 3 का गुणा हुआ है, ठीक है तो यहाँ पर ये पहला हो गया, तो हम लोग पता चल गया मयान के पास कितना आम है, x का मान मतलब मयान के पास हाँ कितना है बच्चों 10 बराबर ये 10 हो गया, अब हम लोग जानेंगे कि जो है नीरज के पास आम की संख्या, नीरज के पास आम, ठीक है नीरज के पास आम कितना हो जाएगा, ठीक है x का मान पता चल गया नीरज के पास 3x है 3x मतलब 3 का घात x का मान को रख देंगे है ना, देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा इधर देखिए इसको हल करते हैं इधर तो 3 × 10 = 30 आपको तो दिख रहा होगा ये 30 हां दिख रहा है, देखिए 3 का गुणा x 3 का गुणा जब 10 क्यों किए क्योंकि x का मान यहां कितना है x बराबर 10 है तो 3 का गुणा 10 कर दिए मतलब कि 30 कर दिए है ना, ये 30 है आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग यहां अच्छे से देख लीजिए दिख रहा है, तो हम लोग को पता चल गया बच्चों फाइनली आंसर कितना हो गया मैम के पास, देखिए इतना इतना हल करने के बाद जो आंसर में लिखे क्या हो गया आंसर में मैम के पास आम कितना हो गया, मैम के पास आम कितना हो गया 10 और जो है ये मयंक का है ना इधर बराबर इधर भी लिख सकते हैं ये 10, ठीक है ये और जो है नीरज के पास आम की संख्या कितना हो गया, नीरज के पास आम का संख्या नीरज के पास मयंक के पास आम की संख्या है ना आम की संख्या बराबर ये 10 हो गया, नीरज के पास आम कितना हो जाएगा हम लोग वहां याद कर लीजिए बताइए आम बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे ना, एक मतलब 10 है उसके 30 हो रहा है मतलब कि देखिए उससे और दो गुना मतलब 20 ज्यादा है ना उससे तो उसका अनुपात जो इतना हो जाता है, इस 10 से दो और जोड़ देंगे मतलब 10 से 20 तो कितना होगा 30 हो गया कि नहीं, यहाँ 30 आ गया, ठीक है आप लोग उसको कॉपी में स्क्रीनशॉट कर लेंगे और जो है कॉपी में लिख लेंगे स्क्रीनशॉट करके कॉपी में लिख लेंगे, ओके बच्चों और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करेंगे या फिर पूछ सकते हैं ना कमेंट करके, ओके बच्चों।